हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हरप्रीत ब्लॉग्स। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमेशा की तरह स्पाउस ओपन वर्क परमिट कैनेडा के अपडेट्स के बारे में, लेटेस्ट प्रिपेयर्स के बारे में। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जो करके जाना। अगर नए व्यूअर्स हो चैनल पर या मेरी वीडियो डेली देखते हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, टैप करके वीडियो को बंद करना। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो की शुरुआत। सो गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी पहली टाइमलाइन के साथ। बाबा जी की मेयर होगी आ गई पीपीआर। 28 जुलाई 2022 को इनको पीपीआर मिली है। फाइल सबमिशन डेट 3 फरवरी 2022 की। अपफ्रंट मेडिकल एंड बायोमेट्रिक हुए थे इनके। रिव्यू स्टार्ट 28 मई को हुआ था। एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट 30 जून को मिली थी एंड सबमिट किए थे उन्होंने 6 जुलाई को। एंड फाइनली इनको 28 जुलाई 2022 को सुबह 10:30 बजे पीपीआर मिल गई। एंड इनकी जो फाइल की सीरीज है वो W3066 थी। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन, जो 12 अप्रैल 2022 की टाइमलाइन है। 4 मई 2022 को मेडिकल अप्रूव हुआ था। 18 अप्रैल को बायोमेट्रिक हुए थे। 8 जुलाई को इनका रिव्यू स्टार्ट हुआ था एंड 29 जुलाई मतलब कल इनको फाइनली पीपीआर मिल गई। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन, जो 2 फरवरी 2022 की टाइमलाइन है। 2 मार्च 2020 को इनके बायोमेट्रिक हुए थे। 28 जुलाई 2022 को इनको फाइनली पीपीआर मिल गई। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन, जो 4 मई 2022 की टाइमलाइन है। 4 को ही इनकी सबमिशन कंफर्मेशन हुई। बायोमेट्रिक इनके पहले हो रखे थे एंड 29 जुलाई 2022 को इनको फाइनली पीपीआर मिल गई। सो अप्रैल और मई की हमें पीपीआर देखने को मिली है। इधर की इससे भी ज्यादा स्पीड के साथ हमें अप्रैल और मई की पीपीआर देखने को मिलेगी। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन, जो 7 मार्च 2022 की टाइमलाइन है। 8 मार्च को इनके बायोमेट्रिक हुए थे। 29 जुलाई को कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर के साथ इनको पीपीआर भी मिल गई। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन, 6 मई 2022 की टाइमलाइन है और इनको अप्रूवल मिली है 29 जुलाई 2022 को। सो मई की 2 पीपीआर्स हैं। मैंने कल वाली वीडियो में भी अपने एक मई की पीपीआर दिखाई थी। आज भी मेरे पास 2 मई की पीपीआर हैं। मई का रिव्यू भी स्टार्ट हो गया था और इनको पीपीआर और अप्रैल और मई की पीपीआर भी अभी स्टार्ट होने वाली है। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन, जो 7 मार्च 2022 की टाइमलाइन है। 10 को मेडिकल अपडेट हुआ था, 14 को बायोमेट्रिक, 16 जून को रिव्यू स्टार्ट हुआ था एंड जस्ट रिसीव पीपीआर। तो आज इनको 30 जुलाई 2022 को पीपीआर मिल गई। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन, जो 24 दिसंबर 2021 की टाइमलाइन है। रिव्यू स्टार्ट 23 अप्रैल को हुआ था। पीपीआर इनको भी 2022 को मिल गई। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन, जो 9 मार्च 2022 की टाइमलाइन है। 17 मार्च को इनके बायोमेट्रिक कंप्लीट हुए थे। 25 फरवरी 2022 को मेडिकल अपफ्रंट था। मेडिकल पास इनका 15 मार्च 2022 को हुआ एंड इनको भी आज 30 जुलाई 2022 को पीपीआर मिल गई। एंड इनकी जो फाइल की नंबर है वो 3068 है। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन, वाहेगुरु जी की कृपा नाल मेरी पीपीआर आ गई। फाइल लॉगिंग डेट है 2 मार्च विद बीबी। बायोमेट्रिक 8 मार्च, रिव्यू स्टार्ट 22 जून, 9 ADR एंड 28 जुलाई 2022 को इनको पीपीआर मिल गई थी। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन, जो 28 दिसंबर 2021 की टाइमलाइन है। बायोमेट्रिक इनके जीसी के में 28 दिसंबर 2021 को ही अपलोड हो गए थे। 27 जुलाई को इनको फाइनली पीपीआर मिल गई। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके आना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत सारी पीपीआर के साथ। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, टैप जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत सारी पीपीआर के साथ। टिल देन, बाय बाय।